एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप और वक्त हुआ है हमारे खास प्रोग्राम सवाल तो बनता है का। और सवाल तो बनता है मैं आज एक ऐसे मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे जबकि देश में किसानों का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, लगातार चल रहा है और पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की निगाह उस मुद्दे पर लगी हुई है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन पर मीडिया की निगाह नहीं जा रही है, और जा रही है भी तो आंशिक रूप से मीडिया उसको नहीं उठा रहा है। बहुत छोटी खबरें चला करके लोग और चैनल अपनी जिम्मेदारी निभा लेते हैं। हालांकि यही मामला अगर किसान आंदोलन के अलावा होता या सरकारों को सूट करता हुआ होता तो कई कई दिन तक चैनलों की जो हेडलाइन बनी रहती। कई सारे ऐसे मुद्दे हुए हैं यूपी में, जो सरकार अपने आप को, यूपी सरकार अपने आप को बहुत अनुशासित सरकार कहती है, बहुत जिम्मेदार सरकार कहती है। यूपी मॉडल को योगी जी कहते हैं कि ये यूपी से जो अपराध है वो खत्म हो गया और अपराधी खत्म हो गए हैं। उसी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो सवाल उठा रही हैं, जिन पर सवाल बनता है। आप समझिए, लखनऊ में एक ऐसी घटना हुई है कि लखनऊ में सरेआम गोली मार दी गई है, उसके बाद आगरा में एक व्यापारी की हत्या हुई है, वो भी गोली मार दी गई है। पिछले 2-3 दिन का आंकड़ा बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी जो घटना है बदायूं की घटना, बदायूं में एक महिला के साथ उसी तरह की रेप की घटनाएं हुई है जिस तरह निर्भया के साथ हुई थी। शर्मनाक घटना है, बहुत जघन्य अपराध है। इस तरह की घटनाएं आखिर क्यों हो रही है? सरकार बहुत सारे मुद्दों पर कानून बनाती जा रही है, लेकिन इन कानूनों का फायदा क्या हो रहा है? अगर आप अपने आप को बड़ी सख्त सरकार कहते हो, आप तो अपराधियों के पोस्टर तक चौराहे पे लगवा देते हो, लेकिन योगी जी ये क्या हो रहा है आपकी सरकार में? कहाँ है आपका प्रशासन, कहाँ है आपकी पुलिस? इस तरह की घटनाएं आखिर क्यों हो रही हैं? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ बहुत शानदार पैनल मौजूद हैं, अलग अलग फील्ड के लोग मौजूद हैं। पॉलिटिकल लोगों को मैंने ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि मैं गंभीर चर्चा आज करना चाह रहा था इस मुद्दे पर। मेरे साथ मौजूद हैं मीडिया का जाना माना चेहरा सुजाता पॉल जी, आपका बहुत स्वागत है। मेरे साथ मुकेश मानव मौजूद हैं, मेरे साथ सीनियर एडिटर हैं, मीडिया के एक जमीनी हकीकत को जानते हैं, कई सारे चैनल्स में काम कर चुके हैं, मेरे साथी हैं। मुकेश मानव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मृणालिनी ध्यानी जुड़ी हुई हैं, जो महिला मामलों पर बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, लिखती हैं और महिला मामलों पर निगाह रखती हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सुजाता जी, क्या कहिएगा, हालात ऐसे बन गए, योगी जी की सरकार जो अपने आप को कहती थी अपराध और अपराधी दोनों खत्म हो गए, इस तरह की जघन्य घटनाएं हो रही हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे तो जिस तरह के अपराध हो रहे हैं ये बहुत चिंता का विषय है। आप देखिए कि किस प्रकार से लोकतंत्र में भीड़ तंत्र ने लिंच मॉब का एक सिलसिला सा बांध दिया था। महिला अपराध किस प्रकार से हो रहे हैं और महिला के प्रति जो संवेदनशीलता होती होनी चाहिए वो सरकारों के अंदर भी खत्म हो रही है। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपने देखा कि किस प्रकार से कुलदीप सिंह सेंगर वाले मैटर में, और ये मैटर हाई प्रोफाइल है, हाई प्रोफाइल भी इसलिए क्योंकि सत्ता से जुड़े हुए लोग थे, कुलदीप सिंह सेंगर हो या चिन्मयानंद, जिसमें बेटियों की आवाजों को दबाया गया, बेटियों को इस तरीके से दबाया गया कि एक मैटर में बेटी जो है वो हॉस्टाइल हो गई अपने ही बयान से मुकरी, और दूसरे वाले मैटर में एक बेटी ने अपना पूरा परिवार खो दिया और इनको संरक्षण मिलता रहा राजनीति। उसके बाद बहुत सारे मैटर्स है, अगर आप देखें कि एंटी सीए प्रोटेस्ट के समय में जिस प्रकार से एक समुदाय की महिलाओं को टारगेट किया गया और उन्हें न जाने क्या क्या अपशब्द कहे गए, पाकिस्तानी तक बुलाया गया, वो किसी भी समुदाय से क्यों ना हो, है तो भारतीय, लेकिन ये सरकार ने उसको रोकने की कोशिश नहीं करी। और अब उसके बाद अगर आप हाथरस की घटना को देखें तो बेटी का किस प्रकार से कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, चरित्र हनन, और उसमें हर मंत्री इन्वॉल्व था, और अगर आपको याद होगा तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो भी इन्वॉल्व थे, और वो किस तरह की बातें कर रहे थे, बड़ा दुखद विषय था, क्योंकि जो उनके करियर के शुरुआत में रेप की डेफिनेशन थी उसको ही याद करके वो आज भी चल रहे हैं। इसका मतलब उनको नॉलेज भी नहीं है अपने ही सब्जेक्ट के बारे में। और जिस प्रकार से अब बदायूं की ये घटना हुई है, इसमें मुझे बताइए, मैं जनता से भी जानना चाहती हूँ कि अगर बेटियों को
आप कहते हैं कि उन्हें इस समय में नहीं जाना चाहिए, खेतों में नहीं जाना चाहिए, उनका कोई दोस्त होगा, कोई पुरुष मित्र होगा, लड़का होगा जिससे मिलने गई, तो एक 50 साल की महिला अब मंदिर में भी ना जाए। आप देखिए कि इस मैटर में जो मैं जिस बात पे आ रही हूं वो है समाज में जो पितृ सत्ता है और महिलाओं के प्रति जो घृणा है, ये जो मानसिकता है ये इस वक्त दोबारा से बढ़ने लगी है और बहुत ही एक दुखद तरीके से हम उसको देख रहे हैं। एक माता बेटी तो नहीं कह सकती ना 50 साल की महिला को, एक माता जो है वो जाती है मंदिर और चंद्रमुखी देवी जो आपके NCWA की एक मेंबर है, MLA रह चुकी है, स्वयं महिला है और वो कहती है कि उसे किसी बच्चे को ले जाना चाहिए था, मतलब पुरुष बच्चा, उनके कहने मतलब है लड़का बच्चा भी उनके लिए पुरुष समान है। यानी कि इस पितृ सत्ता से ग्रसित समाज में जो महिलाएं हैं वो अगर ऐसी जगहों पर बैठाई जाएंगी जो ये जिम्मेदारी महिलाओं को दे देंगी कि उनकी सुरक्षा जो है उन्हें स्वयं करनी है, तो ये बड़ा दुखद विषय है और ये सवाल उठाता है। उंगली जो है वो इस वक्त आदित्यनाथ अजय सिंह बिश्जी के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मेरे सरकार में जो अपराधी है वो छोड़ के चले जाए, मगर अब देखिए कि किस प्रकार से एक पुजारी आके एक माता का बलात्कार करता है अपने साथियों के साथ मिलकर, उसके बाद उसकी हत्या करके उसके घर पर फेंक कर जाता है। और ADG लॉ एंड ऑर्डर जो आते हैं सामने वो वही प्रशांत कुमार है, तो सिस्टम क्या दोहराया जाएगा कि आगे मैं आपको और भी इसके विषय में कुछ बातें कहना चाहूंगी। जी मेरे साथ लखनऊ से मुकेश कुमार जुड़े हैं। मुकेश जी, आप जैसे सुजाता पॉल जी कह रही हैं कि घटनाओं पर घटनाएं हो रही हैं, सरकार सबक क्यों नहीं लेती है उस सरकार की जो सरकार ये कहती है कि हमने अपराध को ख़त्म कर दिया है, अपराधियों को ख़त्म कर दिया है, लेकिन जैसे सुजाता पॉल जी ने सिलसिलेवार बताया कि इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, आखिर सरकार कहाँ सोई हुई है? मुकेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुकेश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? मुकेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं मृणाली, शायद मेरा संपर्क मुकेश जी से नहीं हो पा रहा है, मृणाली मैं आपके पास आऊंगा। मृणाली आपको क्या आवाज आ रही है? अच्छा आवाज आ रही है, मुकेश जी से मेरा संपर्क हो गया है। मुकेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, मेरी आवाज नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी? नहीं आवाज आ रही है, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मुकेश जी मेरा सवाल ये है, मुकेश भाई सुन पा रहे हैं आप मुझे? मुकेश जी आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं आपके पास बाद में आऊंगा। मृणालिनी जी आप कैसे देखती हैं इस तरह की चीजें, आखिर इनके पीछे वजह क्या है? क्या ये पुरुष सत्तात्मक समाज जो है ये इसकी वजह है या महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती है? आवाज आ रही सर आपको क्या? किस तरीके से देखते हैं आप? सर मेरे हिसाब से रेप के मुद्दे को महिलाओं का मुद्दे की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, इसे कभी या तो धर्म का मुद्दा बना दिया जाता है या फिर ऊंच नीच जात का मुद्दा बना दिया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे अभी देख लीजिए महिला आयोग की उन महिला ने पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाया ये कहकर कि उन्हें इतनी रात को बाहर नहीं जाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से महिलाओं के मुद्दों को किस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता जिस तरीके से किया जाना चाहिए, हमेशा उसे धर्म का मुद्दा या उन्हीं पर ही आरोप लगा दिया जाता है कि उनकी वजह से उनका बाहर जान उनका लेट बाहर जाना या फिर उनकी कपड़ों के हिसाब से उनका चरित्र हनन किया जाता है, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा याद है हमारी कानून व्यवस्था यह भी इस चीज को लेके काफी इतनी सशक्त नहीं है, तभी हैदराबाद जो रेप केस हुआ था उसमें जब पुलिस जी 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 मुकेश भाई मैं आपके पास आने चाहूंगा। मुकेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? आ रही आप? हाँ, आ जा रही है सर?
हाँ आ रही है। मैं कह रहा हूँ मुकेश भाई, आप किस तरीके से देखते हैं, सुजाता पॉल जी ने इस पूरे मुद्दे को सिलसिलेवार बताया है कि कब घटनाएं हुई और क्यों हुई इस तरह की घटना, तो आप क्या किसको जिम्मेदार मानते हैं, आखिर सरकार कहाँ सोई हुई है मुकेश जी? इसमें पूरी तरीके से योगी सरकार ही जिम्मेदार मैं मानता हूं, और मैं ही नहीं सारे लोग मान रहे हैं। और अभी हाल ही में घटना हमारे लखनऊ में हुई थी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख की हत्या जो हो गई थी अजीत सिंह की, तो जी वो भी ये इसी सरकार की, ये तो बिल्कुल योगी जी के सटे हुए ऑफिस के पास की ही घटना है। आप समझो जिस जी राजधानी में जहां योगी जी बैठ रहे हैं, जी जो जहां विधानसभा चलाते बैठ के, जहां पूरी टीम है, जो प्रदेश से जहां से राजनीति की शुरुआत होती है वहां जी पे भी इतनी घटना हो रही है। और रोज पता नहीं, उसके पहले एक आगरा में घटना हुई है, जी बहुत पहले बुलंदशहर में हुई थी, हाथरस की घटना हुई है, और जी जी यही अभी अभी सुजाता पॉल जी ने कहा है कि विवेक सेंगर वाली, वो पोटकल से चीजों को जोड़ा था उन लोगों ने, वो उनकी जी पार्टी की थी तो इसलिए उसको हाईलाइट बन गया। अभी जो जी मेन पॉइंट है हमारा, बदायूं जी गैंग रेप जी मेन पहला है। अब आप देखिए योगी जी खुद जिस धर्म की आस्था से जुड़े हुए हैं, अब अभी जी मैडम ने कहा कि जैसे बताइए अब महिला घर से बाहर नहीं, क्या वो पूजा भी नहीं कर सकती? अब ये योगी जी को सवाल जवाब करना चाहिए। अभी राम मंदिर का मुद्दा है, उसे बहुत सारे धार्मिक लोगों को जोड़ दिया है, वो भी एक पुजारी है, और वो जी उसकी मतलब कितनी मानसिकता गिर गई है, ये उसको ये नहीं समझ में आया कि बताओ कोई महिला पूजा करने जा रहे उस मंदिर के भी पुजारी को। इससे पहले एक और एक घटना हुई थी एक मंदिर में, तो इन जी सब चीजों को लेकर के मेरा जहां तक मानना है उसमें पूरी तरीके से योगी सरकार को ही जिम्मेदार मानना। और इससे पहले जो भी सरकार रही जितनी भी, सभी का रहता है, अभी बदायूं पे कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने उस पर भी कमेंट किए, उन्होंने भी देखा है कि उसमें योगी जी को ही उन्होंने भी, क्योंकि भाई देश प्रदेश के मुखिया वो है, तो उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि कानून व्यवस्था को कैसे, जी लॉ एंड ऑर्डर को कैसे, जैसे उन्होंने अभी मैडम ने बताया इससे पहले उन्होंने कहा भी था कि हमारी सरकार आएगी तो अपराधी शहर छोड़ के भाग जाएंगे, प्रदेश छोड़ के बाहर भाग जाएंगे। लेकिन मैं दिन में देख रहा हूं 2, 4, 5, 10 घटनाएं पर डे होती रही हैं, बहुत सारे चैनल है, मीडिया भी है, तो वो लोग पता नहीं क्यों किसी ऐसे छोटे, अरे ये मान सम्मान सभी का है, महिलाओं हो, जिन महिलाओं को हम मातृशक्ति कहते हैं, उस मातृशक्ति के लिए इतना बड़ा आए दिन बाहर, बहुत सारी तो ऐसी घटनाएं सर जिनको तो कोई देख भी नहीं पाता, मीडिया वहां तक पहुंच नहीं पाता, और बदायूं में मीडिया कवरेज करने जा रहा तो उसको सरकार रोक रही है। अरे ये कहां गई योगी सरकार, कहां सो रही इनकी सरकार है जब बिल्कुल। आप। लेकिन मुकेश जी इसमें इस घटना में दो चीजें, बदायूं वाली पर अगर हम बात करें तो 44 घंटे के बाद पीड़िता का पोस्टमार्टम हुआ है, 17 घंटे के बाद एफआईआर लिखी गई है, तो क्या यही वो कानून व्यवस्था थी जिसके लिए रामराज्य की बात की जाती थी? और अगर अभी सुजाता पॉल जी ने भी वो मुद्दा उठाया था, अगर ये समुदाय विशेष के लोग होते तो अभी तक बुलडोजर भी चलता है, उनसे ही छीना भी जाता है, भरपाई भी उनसे की जाती है, पोस्टर भी लगाए जाते हैं, तो ये दोगलापन सरकार का क्यों है ऐसा? आखिर एक सरकार के मुखिया की जिम्मेदारी क्या होती है? क्या आपको लगता है कि अपराध पर भी हम लोग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, अपराध को भी हम अलग-अलग तरीके से देखते हैं? जी मुकेश जी, मुकेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है मुकेश जी का नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। मुकेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मृणालिनी आप सुन पा रहे हो मुझे? सारी चीजें हर जी, पूरा करें मुकेश, पूरा करें। आवाज आ रही है साहब? क्या कीजिए, हाँ आवाज आ हाँ रही है आपको? आ रही है, बताइए। वीडियो क्या डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नहीं, आवाज आ रही है, आप बोलिए भाई। अच्छा, तो जी यही अभी मैं बात कर रहा था, जो बदायूं इसमें पूरी तरीके से योगी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें विधिवत तरीके से उसकी जांच प्रॉपर वे में होगी। अब यही सिस्टम रहता है जांच का, अब ये विषय बन जाएगा कि हाँ अभी कोई भी अभी रिपोर्टर जाएगा हमारी टीम से, किसी भी टीम से कोई पूछे, हाँ ठीक है साहब उस पर जांच चल रही है, अभी कप्तान साहब का व्यूज करने जाएंगे तो वो भी बता देंगे, हाँ भाई उसमें जांच चल रही है। अरे कब तक जांचें होती रहेंगी इस सरकार में? इसी सरकार में नहीं, तमाम लोगों का है, लेकिन इसकी तो ये हिंदुत्ववादी सरकार अपने आप में झंडे गाड़ती है, यूपी में हिंदुत्व लोगों की सरकार है। अरे किसके साथ क्या हो रहा है, किस समुदाय को आप किसके साथ जोड़ रहे हो, तो ये सब देखने वाली बातें। तो ये सवाल तो योगी सरकार से बनता ही है, और उनको महिलाओं के प्रति थोड़ा ज्यादा सचेत
मृणालिनी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी सर। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह की ये घटनाएं, खास तौर से रेप की घटनाएं मंदिरों में होना, मंदिर के महंत के, अब मंदिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये पवित्र जगह मानी जाती हैं, या आदमी इनमें बेखौफ होकर जाता है, लेकिन इस तरह से तो क्या मैसेज जाएगा कि अगर मंदिर में इस तरह की घटनाएं होंगी? किस तरह से देखते हैं आप? मृणालिनी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूं कि मंदिर जैसी पवित्र जगह पर इस तरह की घटनाएं, महंत के द्वारा ये सब चीजें किया जाना, इसको आप उसी अपराध की श्रेणी में रखती हैं या कुछ अलग तरीके से देखती हैं? अपराध अपराध होता है, इसका कोई धर्म नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे वो मस्जिद में हो, चाहे वो गुरुद्वारे में हो, अपराध अपराध होता है और उसे उसी की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी जगह जहां कल्पना नहीं की जा सकती है इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, तो क्या इससे महिलाओं में एक डर पैदा नहीं होगा इस तरह की चीजें होने से? बिल्कुल सर, डर तो है, डर अभी भी है, हर जगह है। अब ऐसे मंदिर में, ऐसी पवित्र जगह पे जहां पर हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा होगा, वहां अगर ऐसा हो जाए तो इसके बाद इंसान कहाँ जाएगा? यहाँ तो हम अपनी मन की शांति के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा होना बहुत ही दुखद घटना है। बिल्कुल बिल्कुल। सुजाता जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपको क्या लगता है कि ये खास, मतलब इतनी हिम्मत अपराधियों की कैसे बढ़ जाती है? क्यों इतनी, मतलब इतनी ताकत आ जाती है कि वो ऐसी जगह जाके, पवित्र जगह जहां हम सोच भी नहीं सकते, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे? देखिए, हम मंदिर की बात करने के बजाय अगर पूरे पूरे सिस्टम को देखें तो सरकारों का क्या काम होता है, हमारे संविधान ने क्या कहा है, लोकतंत्र क्या होता है, ये सारी चीजें जो है इसके प्रति हम लोगों को जागरूक करते रहते हैं, करते रहते थे, मगर आज जो सिस्टम आ गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो इन सब चीजों पे विश्वास ही नहीं करती। उनका काम है एडमिनिस्ट्रेशन, कानून व्यवस्था संभालना, पर क्या वो केवल ये करती है? आप मुझे बताइए कि किस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको तो यही नहीं पता कि वो बोलते क्या है। भाई जिन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, उन्हें क्या पता परिवारों के दर्द का, उन्हें क्या समझ होगी कि माताओं बहनों का दर्द क्या होता है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है कोई भाई बेटा मर जाए। भाई आप देखिए कि उन्होंने आते ही कह दिया था कि मैं आ गया हूं, और अपराधी जो है वो समझ ले कि या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ दें। भाई छोड़ क्यों दें? भाई हमारा तो कानून का जो सिस्टम है वो रेट्रीब्यूटिव, यानी कि सजा देकर, मतलब एक बदले की भावना से सजा देने वाला नहीं है, लोगों को सही रास्ता दिखाने वाला सिस्टम है, रेफर्मेटिव है। हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सजा का जो प्रावधान है वो केवल लोगों को चिल करने के लिए है। अब देखिए वो आते हैं और इस तरह की बात एक कहते हैं, फिर कहते हैं कि और जो यहाँ पे रहना चाहता है वो सुधर जाए। उसके बाद क्या होता है कि अपराधी जो है वो देखता है कि या तो मैं अपराध कर सकता हूं अगर मेरे को इनका संरक्षण मिल जाए, तो राजनीतिक संरक्षण इस वक्त हमारी पॉलिटिकल क्लास उत्तर प्रदेश की वो अपराधियों को दे रही है। वरना जिनकी बात अभी मुकेश जी कर रहे थे, अजीत सिंह, वो तो मुख्तार अंसारी के बहुत क्लोज बताए जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है, ये बनाना रिपब्लिक है। यहाँ पे सजाए मौत जो है वो पुलिस देती है। हमें तो यही नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के बजाय हम लोगों को और बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि हमें बताना चाहिए कि जो पुलिस है उसका काम होता है अपराधी को पकड़ना और मैटर को कोर्ट में ले जाना, साक्ष्य जुटाना, और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करती है कि किसको सजाए मौत दी जाएगी, किसको कौन सी सजा दी जाएगी। मगर उत्तर प्रदेश में इस वक्त हो ये रहा है कि लोगों को पकड़ पकड़ के आपको अगर उनसे उनको लगता है कि मार दें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये सारी चीजें कौन करेगा, इतनी मुसीबत में कौन पड़ेगा। तो आप देखिए कि किस प्रकार से विकास दुबे के तार कितने लोगों से जुड़े हुए होंगे, मगर उसे मार दिया गया। आपको वो तिवारी जी याद हैं जो 2-3 साल पहले जिनकी हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने गोलियां मारी थी, ये हत्या है। इन पुलिस वालों के ऊपर FIR दर्ज करने की जरूरत है। और जिस प्रकार से उगैती के स्टेशन इंचार्ज
इंचार्ज ने इस मैटर को पोस्टमार्टम के बाद दर्ज किया, एफआईआर 18 घंटे के बाद दर्ज हुआ, उसकी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद, मतलब बॉडी मिलने के बाद। तो क्या उसके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए? और उत्तर प्रदेश की सरकार क्या करती है? सूर्य प्रताप सिंह आईएएस रिटायर्ड जो है, क्योंकि वो इस सरकार के विरुद्ध मुखर होके बोल रहे हैं, तो उनको नजरबंद कर देती है उसी, मतलब अगले दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जाती है, क्योंकि वो मिलने जाना चाहते हैं। ये तमाम पत्रकारों को रोक रहे हैं, ठीक वही चीज करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हाथरस में हुआ। मुंह की खानी पड़ी या नहीं? हाथरस वाले मैटर में इन्होंने कह दिया कि बेटी का रेप नहीं हुआ, बेटी की का ऑनर किलिंग हुई। और किस प्रकार से वहां पे पंचायतें बंटवा रहे थे, ये जो अक्यूज्ड है, अभियुक्त है, उसके सपोर्ट में। तो ये सरकार का काम है क्या? सरकार में बैठे हुए जो विधायक है, मंत्री हैं, या भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका काम है? उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए, उनके विरुद्ध भी तो आपराधिक मामले दर्ज करे जाने चाहिए। भाई अगर कानून है तो कानून का सही प्रकार से उपयोग होना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए जो आदित्यनाथ कर रहे हैं। क्योंकि आदित्यनाथ को पूजा पाठ करना चाहिए, आदित्यनाथ को जले जाना चाहिए हिमालय में, या अपने जिस जहां से वो आए हैं गोरखनाथ मंदिर में, वहीं पे जाके उस मठ को संभाले तो बेहतर होगा। क्योंकि बेटियों के प्रति भी उनकी घृणा हम देख सक रहे हैं। आज जो आज हम देख रहे हैं वो ये है कि बेटियों को किस प्रकार से वो अपमानित कर रहे हैं, अपमानित करवा रहे हैं। इसलिए हम सब जो है उनके विरुद्ध अपनी आवाज उठाते हैं, और ये तो राष्ट्रपति जी से भी मांग करते हैं कि भाई यहाँ पे आप इन्हें बर्खास्त करें, क्योंकि बेटियों को अगर बचाना है तो इस सरकार को हटाना है। बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुकेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूं। हाँ मुकेश भाई, सुजाता पॉल ने बड़ा सवाल उठाया है। वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय बिष्ट जो हैं, वो एक सक्षम मुख्यमंत्री हैं ही नहीं है। उनको पता ही नहीं कि शासन कैसे चलाना है, नहीं तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती बार बार। हाथरस से ले लीजिए आप, अब ये बदायूं ले लीजिए, तो ये इस तरह की घटनाएं, घटनाओं की पुनरावृत्ति आखिर क्यों हो रही है, इस तरह की घटनाएं क्या कहेंगे मुकेश जी? योगी जी को सब पता रहता है कौन सी चीज। विवेक सेंगर में इंटरेस्ट क्यों लिया? शाहजहांपुर की घटना को आपको याद होगा, स्वामी चिन्नानंद वाली में क्यों उसमें इंटरेस्ट लिया? अगर उनको यही है कि उनका घर परिवार नहीं है, तो फिर अदर लोगों की चिंता भी करना छोड़ दे। भाई भाजपा में बैठे हुए लोग हैं, उनको फिर क्यों बचाते फिर रहे? ये भी तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर एक आम महिला है, उसने उसका भी वोट बना हुआ है, वो भी वोट देती होगी, जिसे भी जो जी चीजें जहां पसंद आती होगी, तो वो ये है कि वो एक आम महिला थी। यही महिला ये किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी होती या कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति उसके साथ कुछ करता। लेकिन अफसोस मुझे बस सिर्फ यही हो रहा कि जिस मंदिर में भगवान बैठे हुए हैं, उस भगवान को भी लोग नहीं बर्खास्त कर। भगवान की चीजों को मतलब कितना थिंकिंग लोगों की चेंज हो गई। मुझे तो कभी कभार भगवान पे भी बिलीव उठ जाता है, इसलिए कि भाई भगवान के लिए तो सारे लोग बराबर हैं। सारे लोग क्या, भगवान वहां रक्षा करने नहीं आ सकता था? अगर धर्म आस्था की मैं बात करूं कि चलो जो भी मंदिर का पुजारी है, मतलब अदर लोगों की क्या थिंकिंग है, तो ये ऐसे कोई कानून बनाने चाहिए। बनाने के कानून तो बने हुए हैं, लेकिन पुलिस काम नहीं कर रही। अभी जो बात करी है मैडम ने कि पुलिस की, अभी पुलिस के भी बहुत सारे किस्से आपने देखे होंगे। वो तिवारी जी को गोली पुलिस ने ही मारी थी, किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं मारी थी। विकास दुबे का एनकाउंटर पुलिस ने किया। अगर पुलिस का भाव लोगों के अंदर पैदा रहे, तो चीजों में लोगों के अंदर डर पैदा बने और उससे चीजों को थोड़ा सा रिलीफ मुझे मिलेगा। लोगों को डर पैदा होगा कि नहीं यार, अब जैसे इसकी पहले सरकार थी, अब जैसे 100 नंबर का। जी क्या क्या सिर्फ ये सरकार की गलती है या प्रशासनिक आधा? हम समाज में भी कुछ इस तरह की दिक्कतें हैं कि वो इस तरह का माहौल कुछ बन रहा है क्या? जैसे कि वो महिला आयोग की कह रही हैं कि भाई ये तो आपको लेट नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। क्या क्या कहेंगे मुकेश भाई इस तरह के बयानों पर? नहीं, लेट जाना क्या, अब मंदिर में पूजा करनी है किसी ने किसी भी समय, जैसे जिसको अभी हमें टाइम मिल रहा है, अब किसी को कोई भूमंडल लोग उनको नमाज पढ़ने का 5 पर का टाइम होता है, तो जिसको अभी कोई सुबह नहीं जा पाया तो दोपहर चला गया। अच्छा, दोपहर नहीं, बिल्कुल। मुकेश भाई, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हैं व्यापारी नेता हैं, और उन्होंने भी इस मुद्दे को बहुत ज्यादा करके उठाया है। रामबाबू रस्तोगी जुड़े हैं मेरे साथ। वो समाजवादी पार्टी जो है, शिवपाल वाली समाजवादी पार्टी, उसके व्यापार, हाँ, तो उसके अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनसे पूछेंगे सीधे। राम बाबू जी, आपका बहुत स्वागत है।
क्या कह हाँ नमस्कार, क्या कहेंगे जो माहौल बन रहा है प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर? आप भी बड़े मुखर रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक राजनीतिक दल होने के नाते और व्यापारी नेता होने के नाते आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसके लिए? त्यागी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है, अपराध चरम सीमा पे आ गया है। व्यापारियों के साथ लूट, हत्या, डकैती, राजनीति छिनैती, महिलाओं के साथ में रेप, और रेप करने के बाद में 302 कर दिया जाता है, मृत्यु कर दिया जाता है। छात्र पीड़ित है, नौजवान पीड़ित है, किसान आज जो है 39 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पे पड़ा हुआ है। देश त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश में ये अपने तानाशाही रवैये पे बिल्कुल चल रहे हैं, ये किसी जनता की बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, 3 दिन पहले आगरा के अछनेरा थाना अंतर्गत के अंदर में रायभा ग्राम लगता है, वहां पे 3 बजे पछलारा डकैतों ने डकैती डाल दिया और वहां पे असलहों से लस गोली की तरदहा चलाते हुए उन्होंने 60 से 70 लाख रुपए की उन्होंने व्यापारियों की पूंजी पूरी लूट लिया। इस केस का भी खुलासा नहीं हो पाया कि कल सवेरे सुबह 9:30 बजे प्रतापगढ़ में सुनील सोनी जी है, उनके दुकान पे डकैती पड़ गई और 90 लाख रुपए की लूट वहां पे हो गई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी अपराध निरंतर करता चला जा रहा है, उसका मनोबल बढ़ता चला जा रहा है और सरकार उस पे हाथ पे हाथ रख के बैठी है, कोई अंकुश नहीं लगा रही है, कोई दबाव नहीं बना रही, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, ना व्यापारियों को मुआवजा मिल रहा है। बिल्कुल, लेकिन राम बाबू जी, आप चीजों को समझ रहे हैं, आप तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो आप आपकी पार्टी क्या कर रही है इन मुद्दों पर? हम अभी डीजीपी साहब के साथ बैठक में थे 10 मिनट पहले, मैं वहां से उतर के आया हूं, आपने मुझको फोन कॉल पे ले लिया है जी। मैं इसी अपराध पे अंकुश लगाने के लिए आदरणीय डीजीपी हितेश चरण अवस्थी जी से मुलाकात करके उनको ज्ञापन देके मैं लौटा हूं, और हमने ये भी कहा है कि मैं 3 दिन तक केवल इंतजार करूंगा, इसके बाद में हजारों की संख्या में विधानसभा का घेराव करूंगा। और हम लोग निरंतर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हर जिले में हमारा धरना प्रदर्शन हो रहा है, हम घेराव कर रहे हैं सरकार का। सरकार तानाशाही रवैया अपना रही, विपक्षियों को सरकार फर्जी मुकदमे लिख दे रही है, विपक्षियों को 15-15, 20-20 दिन के लिए आंदोलन के लिए जेल भेज रही है। सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है, दबाव बना रही है कि हम विपक्षियों को आंदोलन नहीं करने देंगे, इसीलिए विपक्ष कमजोर हो रहा है। लेकिन हम लोग शिवपालवादी हैं, हम लोग डरने वाले नहीं है, चाहे 15 दिन के लिए जेल भेजे, चाहे 15 साल के लिए जेल भेजे, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और जब तक जनता की सारी समस्याओं का निराकरण नहीं करा देंगे, हम लोग इसी तरीके से रोड पर रहेंगे। बिल्कुल राम बाबू जी, आप फोन पे रहिए अभी हमारे साथ। हमारे साथ सुजाता पॉल जी है, नेशनल कोऑर्डिनेटर है विद कांग्रेस की। सुजाता जी, राम बाबू रस्तोगी जी अभी मेरे साथ जुड़े हैं, अभी डीजीपी से मिलके आए हैं, कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने इतनी सारी घटनाएं गिना दी हैं, और मैं तो पर्सनली जानता हूं कि बहुत सारी चीजों पर ये व्यापारियों के साथ बहुत सारे मुद्दों पर जुड़े रहते हैं, बातें करते रहते हैं, उनकी आवाज उठाते रहते हैं। तो आखिर व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, तो ये सरकार किस तरफ जा रही है, वजह क्या है, सरकार से संभल नहीं रही है क्या चीजें? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये कोई चीज संभाल नहीं सकते, इन्हें ना तो पहले का कोई एक्सपीरियंस है और ना ये सीखने को तैयार है। ये शासन पे में जरूर बैठ गए हैं, सत्ता जरूर संभाले बैठे हैं, मगर ये सोचते हैं कि ये धर्म और विभाजन की राजनीति से भारत जैसे देश के इतने बड़े राज्य को ये संभाल सकते हैं। मगर इनके अंदर का जो इनके जो व्यक्तित्व है, अगर आप उसको देखें, इनके कैरेक्टर को देखें, इनके चाल चरित्र और चेहरे को देखें, तो ये बात साफ है कि ये पितृ सत्ता से ग्रसित है, ये समुदायों से में डिवीजन करते हैं, ये जातियों में विभाजन करना चाहते हैं लोगों को। तो ऐसे तो कोई भी समाज नहीं चल सकता, क्योंकि समाज में अलग लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। और जहां तक आदित्यनाथ की बात है, तो वो तो एक घृणा की मानसिकता उनकी हम देखते रहे हैं। एक समुदाय की महिलाओं के बारे में उन्होंने जो कहा था कि कब्रों से निकाल के जो भी इस तरह के बात करी, जिस प्रकार से एंटी सीए मूवमेंट में हुआ, आज आप देखें कि कृषि कानूनों के विरुद्ध जो किसान उत्तर प्रदेश से जाना चाहते हैं दिल्ली तक, उन्हें किस प्रकार से रोका जाता है। आप देखें कि चंदौसी वाले इलाके में 50-50 लाख के नोटिस इशू कर देता है एसडीएम, जिसका उसको अधिकार नहीं है, फिर वो कहते हैं कि नहीं 50,000 का वो
अब 50,000 का नोटिस आप किसे दे, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसानों को, यानी कि आप आवाज दबाकर आप सोचते आप में आएगा वो आप कह सकते। आपने कहा था कि आप राम राज्य बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, यही है राम राज्य जहाँ पे महिलाओं का शोषण इस प्रकार से होता है जिस प्रकार से रावण ने भी नहीं किया माता सीता का, माता सीता को संभाल के उन्होंने रखा, मान सम्मान के साथ रखा। ये अपने ही राज्य की जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनमें बात कर रहे हैं। आप देखिए कमाल की बात, अगर मैं वापस बदायूं के मैटर को देखूं तो वहां पे जो 3 कल्प्रिट थे, जो शिष्य था और जो ड्राइवर था, उसको किस, उसे पुलिस ने नहीं पकड़ा। यहाँ पे SIT का गठन हो रहा है, STF बन रहा, ये सारी कहानियां तो होती हैं क्योंकि ये संरक्षण देते हैं। और अगर एक पुजारी को के अंदर डर नहीं था कि एक महिला को मंदिर में बुला के वो उसके साथ बलात्कार करेगा, उसकी पसलियां तोड़ देगा, उसके अंदर रॉड डालेगा, किस तरह की मानसिकता है ये पुजारी है? जघन्य अपराध है सुजाता जी, जघन्य घटना है बिल्कुल। जितनी जितनी शर्मनाक और जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, शब्दों में बयां करने वाली घटना है ही नहीं है। सुजाता जी बिल्कुल समझ रहे हैं हम इस बात को, लेकिन राम बाबू जी आप मेरे साथ जुड़े हैं तो ये बदायूं वाली जो घटना है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? भाई साहब देखिए, जिस तरीके से घटना घटित हो रहा है, चाहे वो बुलंदशहर का कांड हो, चाहे बदायूं का कांड हो, चाहे मेरठ का कांड हो, चाहे गाजियाबाद का कांड हो, ये जघन्य श्रेणी के जितने भी घटना घटित हो रहे हैं इस पे कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं हो रहा है और केवल केवल लफाड़बाजी सरकार में हो रहा है। सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा, सब पेपर पे हवा हवाई में काम हो रहा है। व्यापारी पीड़ित है, महिला पीड़ित है, छात्र पीड़ित है। अभी आज एक छात्र का मैटर मेरे पास आया है, ये लखनऊ के सेंट जोसेफ स्कूल है, वहाँ कक्षा 7 का छात्र है, उसकी 2 महीने की फीस नहीं जमा हुई है कोविड के चक्कर में, तो उन लोग लो जो उसको एग्जाम में नहीं बैठने दे रहे हैं, ये बहुत खेद का विषय है। बताइए, शिक्षा जो है एक संस्कार है, लेकिन उन्होंने लोगों ने व्यापार बना लिया है उसको। बिल्कुल इस तरीके से शासन प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है, शिक्षा मंत्री सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल राम बाबू जी, आप एक जिम्मेदार पार्टी के नेता हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप व्यापार सभा के, तो आपका हक बनता है कि आप अपनी आवाज को उठाइए। विपक्ष का भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, विपक्षी पार्टियों की, सत्ता पक्ष को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाना। त्यागी जी, मैंने अपने लोगों को बोल दिया है कि कल अगर वहाँ पे 12 बजे तक बच्चे का कोई स्कूल की तरफ से मजबूती नहीं मिलती है अगर एग्जाम देने के लिए, तो कल मैं हजारों की संख्या में स्कूल का और अधिकारियों का घेराव करने का काम करूंगा और उस बच्चे को का परीक्षा में बाधित नहीं होने दूंगा। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छी सोच है और उम्मीद करेंगे कि स्कूल और इस चैनल के माध्यम से अगर हमारी आवाज उन तक पहुंच रही हो तो स्कूल के ऐसी घटनाएं नहीं करनी चाहिए, वो शिक्षा का मंदिर है। लेकिन यहाँ तो मंदिर महफूज नहीं है, तो शिक्षा के मंदिर की तो बात छोड़िए। राम बाबू जी मेरे साथ सीनियर एडिटर हैं मुकेश, जुड़े हैं लखनऊ से ही। मुकेश जी देखिए, राम बाबू व्यापारी नेता हैं, वो आवाज उठा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि क्या हालात हैं और वो भुक्त भोगी हैं। उनके पास दिन में 3-4-5 रोज कॉल आती हैं इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, उन्होंने डिटेल में सारी घटनाएं बताई हैं। तो क्या आपको लगता है मुकेश के उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है वो जितनी खराब दिख रही है मीडिया में उतनी खराब क्यों नजर नहीं आती है? मुकेश, क्या वजह है? मीडिया का सर, क्या मेरा बहुत छोटा सा त्यागी जी एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो मेरा जो मानना है, पहले मीडिया जो है वो विपक्ष का काम मीडिया करती थी। अगर विपक्ष अपने मुद्दे को या अपनी बातों को सही ढंग से अगर नहीं कह पाता था, नहीं प्रेजेंट करता था, तो उसका काम मीडिया करती थी। लेकिन आजकल की मीडिया आपको तो पता ही है कि क्या काम कर रही है और कैसे हम लोग मीडिया के साथ, पत्रकार कौन सा सुरक्षित है? कितने पत्रकारों के साथ रोज सारी घटनाएं हो रही हैं, कौन अपनी जान की बाजी को लगा करके खबर को कवरेज करने जाएगा? तो ये बहुत सारी जिम्मेदारी बनती है जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, इतनी सारी टीआरपी बटोरते हैं। अभी बहुत छोटा, अभी वही है कि टीआरपी, अभी सुशांत सिंह वाला मैटर तक कितने सारे लोग लगे रहे, बहुत सारे। ये है कि जो अब ये बदायूं वाला मैटर है, इस पर भी मीडिया को ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, सामाजिक लोग हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। विपक्ष की जो पार्टियां हैं, तमाम 3-4 मोस्टली पार्टी है प्रदेश में, अभी एक नई पार्टी, अभी प्रगतिशील समाजवादी, ये भाई हमारे साथ जुड़े हुए थे, अच्छी सोच रखते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को आकर के इसमें
जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तो ऐसी आगे आने वाले समय मैं जानता हूँ रामबाबू रस्तोगी को, जमीन पर काम करते हैं, मैं जब से ये पार्टी में इसमें प्रगतिशील में जुड़े हैं उससे पहले भी मैं जानता हूँ, वो व्यापारियों के लिए काम करते हैं, जमीनी स्तर पर बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे वो कहावत है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, बहुत सारे लोगों को मिलकर आना होगा। सिस्टम इतना मजबूत है, उसको जैसे सुजाता पॉल जी आवाज उठा रही थी कि संरक्षण प्राप्त है, यहाँ जो भी क्राइम करता है उसको कहीं ना कहीं से संरक्षण मिला होता है, नहीं तो लखनऊ की सड़कों पर इस तरह मर्डर नहीं होते खुलेआम जैसे आपने बताया था। अभी मैंने बताया वही राजधानी में अभी जो मर्डर हुआ है बहुत सारे। अब जैसे अभी मैडम ने बताया था कि जो विकास दुबे के कितने सारे लोगों से कनेक्शन होगा, कितने सारे अपराधी उसके साथ जुड़े होंगे, अब वो चैप्टर वहीं पे क्लोज हो गया, हो सकता और उसके बीच में अपराध हो रहे हो, पता ही नहीं कितने सारे अपराधी उनके साथ में जुड़े हुए थे और अभी भी। तो इन सब चीजों अभी है कि उसकी जड़ तक उसको जाना चाहिए था, हो सकता 10-5 नाम और निकल के आते और वो चैप्टर फिर क्लोज कर दिया गया। मुकेश जी मुझे लग रहा है वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, तो मैं आप लोग जुड़े और आप लोग इस तरीके से बातें कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि फिर भी आप जागरूक लोग हैं और मेरे साथ रामबाबू रस्तोगी जुड़े हैं, वो कल किसी मुद्दे पे लेके बता रहे थे आंदोलन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, काम करने वाले लोग हैं, भले ही थोड़े लोग हों, सुजाता पॉल जी हैं, अपनी आवाज़ उठाती हैं, हमने देखा है जब जब भी कोई मुद्दा देश में होता है तो बहुत सारे लोग बाद में आवाज़ उठाते हैं लेकिन सुजाता पॉल जी उसमें सबसे आगे रहती हैं, तो ऐसे बात नहीं है, चीज़ें चल रही हैं और ये वक्त है, बदलता ज़रूर है, एक ना एक दिन लोगों की समझ में आएंगी चीज़ें, लेकिन फिर वही बात है कि अगर हमारे मंदिर भी सुरक्षित ना रहे तो फिर राम राज्य होने का क्या फ़ायदा है। ऐसे राम राज्य से अच्छे तो वही दिन थे कि कम से कम अगर एक अपराध हुआ तो अपराधी को पकड़ा जाता था, अब अपराधी को कई सारी चीजें देख के पकड़ा जाता है, कई उसका बैकग्राउंड देखा जाता है, कहां से वो आता है, किस तरीके का उसका राजनीतिक कैरियर रहा है, ये सब चीज़ें भी अब अपराधी होने के बाद ये सब चीज़ें भी मायने रखती हैं। कई सारे आंदोलन इस चीज़ के गवाह हैं, कभी तो यहाँ यूपी की पुलिस बुलडोज़र चलाने लगती है, जाकर के हाई कोर्ट मना कर देता है तब भी यूपी पुलिस बुलडोज़र चला देती है, तो घटनाएं हैं होती रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी आप जैसे जागरूक लोग हैं, काम कर रहे हैं, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। राम बाबू रस्तोगी जी आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, सुजाता पॉल जी, मुकेश जी और मृणालिनी आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पर।